प्रदेश की आर्थिक राजधानी जहां विकास और रफ्तार को नए आयाम देने के लिए शहर के अलग अलग चार मुख्य चौराहों पर अरबों रुपए की लागत से फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया गया। उन फ्लाईओवर और अंडरपास का जिनका जिक्र आते ही बीजेपी और बीजेपी सरकार अपने पीठ थपथपाने से पीछे नहीं रहती है, लेकिन अब इस क्रांतिकारी योजना में सुराग होना शुरू हो गया है। जी हाँ, दिल्ली एक्सप्रेसवे पर गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर पर चार दिन पहले 2 फुट का गड्ढा हो गया था, जिसकी जांच अभी शुरू भी नहीं हुई है कि वहीं इफ्को चौक पर बने एलिवेटेड फ्लाईओवर में जगह जगह सुराख हो गए। ये फ्लाईओवर चंद महीने पहले ही बनकर पूरा हुआ है और इस पर ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन सुराखों को देख कर कोई भी डर जाए, ये डर लाजमी भी है क्योंकि ये सुराख फ्लाईओवर के आर पार तो है ही, साथ ही साथ करीब 20 से 30 फीट की दूरी तक दरार बन गई है, जो कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। फ्लाईओवरों की यह हालत इनके निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही है। हालांकि मामले पर NHAI अधिकारी जरूर लीपापोती करने के बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो सरकार के जल्दबाजी के दबाव में ये फ्लाईओवर शुरू कर दिया गया, जिसमें एक ज्वाइंट ना होने के चलते ये दरारें आने का प्रमुख कारण बनी। बहरहाल NHAI के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करने की बात जरूर करते दिखाई दे रहे हैं। सुशील कुमार, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम।